हमारे आने पे डर लगा है ना, अब वोट मांगने जब हमारे दरवाजों पे आओगे ना, अब तब भी डरना। अब हम तब देंगे जवाब कि क्या किया तुम लोगों ने। लोग भूखे मर रहे, सारी जिंदगी इन लोगों के लिए काम किया, इनका प्रशासन चलाया, अंत में आके क्या मिला, क्या दिया? लोग भूखे मर रहे हैं, लोग घर तक नहीं बना पाए अपने इनकी वजह से। अब आना और फिर अब हम स्वागत करेंगे तुम्हारा दिल से, तुमसे भी अच्छा स्वागत होगा। लोग तो काफी ज्यादा मौजूद थे उस टाइम, 30-40 हजार लोग मौजूद थे, लेकिन उनको अलग अलग टुकड़ियों में बांट दिया गया था, पुलिस द्वारा अलग अलग कर दिया गया था ताकि वो किसी न किसी तरह से वहाँ उनको उठाया जा सके। और बड़ी हैरानी की बात है, ये इतना शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था, बावजूद इसके लाठी चलाई गई, वाटर शावर करवाया गया लोगों को, हर तरह से टॉर्चर किया गया वहाँ से उठाने के लिए, और एट लास्ट 500-600 लोगों को अलग अलग टुकड़ियों में, जो विधानसभा के बाहर जितने से लोग रहे, उसके बाद महिलाओं को उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए, और इतनी बुरी तरह से उनके हाथों में खरौंची आई हुई है, उनको बुरी तरह से खींच के बाहर निकाला गया। तो इतना, इससे ज्यादा अमानवीय व्यवहार और क्या हो सकता है। मुख्यमंत्री महोदय से बार बार ये हमने रिक्वेस्ट की थी बड़े पोलाइटली कि आकर आप सुन लीजिए, आप नहीं कर सकते ओपीएस बहाली, तो भी बोल दीजिए कि नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम फेस टू फेस आकर बोले, कर सकते हैं तो भी बोले, नहीं कर सकते तो भी बोले। इस तरह का अमानवीय व्यवहार उनको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, जिसका भुगतान उनको 8 महीने के बाद अब करना ही पड़ेगा। जो आज रवैया दिखाया है, जो अड़ियल रवैया दिखाया है, जो तानाशाही सरकार ने आज दिखाई है, मैं मुझे लगता है कि ये प्रदेश के इतिहास में एक बहुत काले कानून, काले दिन के रूप में इस दिन को जो है कर्मचारी याद रखेंगे। और जो कर्मचारियों के साथ सरकार द्वारा आज किया गया, कर्मचारियों को लाठियां बरसाई गई, कर्मचारियों को पानी के बौछारे की गई, और कर्मचारियों को रगड़ा गया, घसीटा गया, कर्मचारियों की टांगें तोड़ी गई, कर्मचारियों हमारी महिला बहनों के कपड़े फाड़े गए, ये एक बहुत ही, मतलब जिसको कहेंगे कि बहुत काला, बहुत गलत और घिनौना कार्य जो सरकार के द्वारा किया गया, इसकी हम वर्षक आलोचना करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि आप इस तरह के जो काम कर रहे हैं, ये तो शायद अंग्रेजों ने भी इतने जो है इतने क्रूरता हमारे भारतीयों के साथ जो है नहीं की होगी। कल की यदि हम बात करें तो अब आज के इस प्रकरण के बाद कल का क्या जो हमारी प्रोग्राम है, रहने वाला कोर कमेटी की बैठक अभी बस 10 मिनट बाद होगी, और उस बैठक के बाद ही हम बता पाएंगे कि कल हम क्या करने जा रहे हैं, और अब भविष्य का भी हम कार्यक्रम जो है उसी बैठक के बाद ही तय करेंगे। साथ ही हमें सुझाव देंगे, उस हिसाब से ही हम निर्णय लेंगे। और रही बात जहाँ तक संरक्षित करने की, देखिए पुरानी पेंशन बहाली के साथ कर्मचारी जो है पूरी भावना के साथ जो है जुड़े हैं, कर्मचारियों की भावना इस मुद्दे को लेकर है, और कर्मचारी अगर हम आज कल के लिए अपील करेंगे तो 1 लाख कर्मचारी भी कल उतर सकता है, लेकिन उस उतार के क्या होगा वो तो मैं वैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप समझ गए होंगे तो आप समझ सकते हैं। और हम इस तरह से जो है अपनी एनर्जी भी वेस्ट करें ना करें, क्या कल हो सकता है क्या नहीं हो सकता, उस विषय में बिल्कुल विस्तार पूर्वक हम बैठक में चर्चा करेंगे। लेकिन इतना मैं बता देना चाहता हूँ कि हम जो है अब पेंशन बहाल करवा कर रहेंगे, और चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, जयराम जी समय रहते कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की विदाई भी तय है, और जिनको भी हम चुनेंगे उनसे भी हम पहले शब्द पत्र लेंगे, एफिडेविट लेंगे, अन्यथा हम अपने हिसाब से ही आगे के निर्णय लेंगे, और पेंशन बहाल जरूर होगी प्रदेश में। ये मैं सब प्रदेश के कर्मचारी मीडिया के माध्यम से प्रदेश के हर कर्मचारी, हर जो छात्र का भविष्य का कर्मचारी होगा, उन सबको बता देना चाहता हूँ।